एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छा, मैं कुछ भूल रही हूँ, लिपस्टिक। व्हाट द सो गाइस, आज है होली। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जाएंगे होली दर्शन के लिए। 2 साल बाद आज कोई कर्फ्यू नहीं है। तू भी सुन रहा है मेरा व्लॉग? तू चला गया? वो चला गया रे। यहाँ पे बात हो रही है पक्षीराज की, मतलब कि कबूतर की, जो वो चला गया। सोच रहा होगा कि ये पिंजरे में बंद मनुष्य को देखने से अच्छा है कि होली के दर्शन करके आ जाए। लकी कबूतर, हम तो उड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। हाय हेलो कर लेता व्लॉग में, तू भी आ जाता ना। नहीं किया, कोई बात नहीं। आई होप के नीरो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ये होली दर्शन हो रहे हैं। 2000 years later। ये है नीरो का आउटफिट। लुक एट दिस। ये फेस देखकर किसको प्यार ना हो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ओह क्या बात है, क्या तारीफ है, माता रानी की दया है। गर्मी का कहर और हमारा ट्रेडिशनल वेयर। मस्त स्टोरी टेलिंग वाला व्लॉग अभी जस्ट अपलोड किया है, पब्लिक नहीं किया क्योंकि 24 घंटे बाद 4K क्वालिटी यूट्यूब में आती है। तो अभी जस्ट अपलोड किया है और ये नया व्लॉग वापिस शुरू किया है, मतलब कि मजदूरी करेंगे, स्मार्ट मजदूरी। कोई टाइप की भी मजदूरी हो, आई रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ मजदूरी। मजदूरी करो बट मजबूरी मत आने दो। यस बेबी जी। क्या सुंदर नारी, कभी नहीं है अत्याचारी, पे कभी आज प्लीज नहीं भारी। सलाम है आपको और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही हो माय पार्टनर। यस, बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है वो तभी निकलता है, या तो होती है होली या होती है दिवाली या तो डांटती है हमारी घर वाले। तो गाइस 9:15 बज चुके हैं एंड चलिए जल्दी पूजन विधि में जाते हैं। वाओ वाओ माय लव, यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल टुडे। व्हाट एन अमेजिंग लुक। गर्मी का इतना कहर बट फिर भी पार्टनर तुमने पहना है ट्रेडिशनल वेयर, मतलब वेयर। खतरनाक लग रही हो, सुपर डुपर लग रही हो। गर्मी जबरदस्त बढ़ चुकी है, आज प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि समर आ गया है। पहली बार इतना स्वेट हो रहा है बट अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये आई थिंक 2 साल बाद फर्स्ट ऐसी होली होगी जिसमें कोविड का कहर नहीं है, गर्मी का ही है सिर्फ। और ये कहर अच्छा लगता है हमको। एंड देखो इधर होली हो रही है, माता होली का बहुत खूबसूरत चंद्रमा एंड ब्यूटीफुल होली। अगर इसको स्लो मोशन में लिया जाएगा। खूबसूरत आग की लपटों के साथ हमारे सामने थे अग्निदेव और साथ में माता होलिका। तो माता होलिका और अग्निदेव की परिक्रमा करते हुए हमें कुछ डीप मैसेज जानने को मिला। या तो ऐसे बताएं कि ज्ञान अग्नि जो है वो प्रकट हुआ और वो हमें ये चीख चीख कर बता रहा था कि गुरु तपना तो पड़ेगा। उदाहरण बताए तो पानी से पूरी ट्रेन को चलाया जा सकता है, वो भी बहुत ही तेज गति से। पर दोस्त वो पानी को तपाना पड़ता है, इतना तपाना पड़ता है कि उसकी भाप बनती है और वो भाप पूरी रेलगाड़ी को खींच कर ले जाती है। बिना तपे कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं होता, चाहे वो मंत्रों की तपस्या हो या कर्मों की तपस्या हो। और टेक्निकल भाषा में आपको समझाऊं तो बिना तपे तो 4K वीडियो भी रेंडर नहीं होता। उसी तरह ये जिंदगी के ताप में भी आपको तपना है। जितना तपोगे उतना तेजी से आगे बढ़ोगे, उतना ही निखरोगे, उतना ही चमकोगे। तो मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तपना तो जरूर पड़ेगा। जय माता दी।
क्या हुआ? वो थोड़ा गिर गया। दर्शन हुए माता होलिका के, होलिका दहन के। तो अभी बस जाएंगे वापस घर एंड मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस, जब कभी भी अग्निदेव के पास जाओ तो रिस्पेक्ट से जाओ, क्योंकि स्मार्टफोन हीट हो सकता है एंड ये जो हीटिंग है वो कभी कभार हादसा भी करती है। डेफिनेटली पूजा पाठ इज अवर कल्चर, इट्स इन अवर ब्लड, पर साथ साथ में हमारी और दूसरों की सेफ्टी ध्यान में रखना जरूरी है। और हमने कुछ दायरे में सिक्योरिटी सेफ्टी को ध्यान में रख के कुछ शॉट लिए। आप सभी को हैप्पी होली एंड हैप्पी धुलेटी। यस गाइस, टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो। वैक्सीन नहीं लगवाई है तो लगवा लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फोन टाइम्स यू लेटर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।